एक हमारे पास विड्थ प्रॉपर्टी होती है और एक हमारे पास मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी होती है, तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, सेट विड्थ क्या होती है और सेट मैक्स विड्थ क्या होती है। अगर मैं अभी देखूँ तो हमारे पास एक मार्जिन ऑटो, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मार्जिन ऑटो में सेंटर में लाने के लिए हम लोगों ने किया था, बट यहाँ पे हमने दो डिवीज़न लिया है, एक डिवीज़न ये है और दूसरा डिवीज़न ये है, दोनों में कंटेंट हमने डाल रखे हैं। अगर बॉडी है, स्टाइल है, इसको अगर हम रन करके देखेंगे तो अभी मार्जिन ऑटो हम लोगों ने देखा था कि इसके बॉर्डर वगैरह अगर हमने दिया है तब तो काम करेगा, और मार्जिन ऑटो के लिए हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं केवल उसी पे काम करेगा, इन लाइन एलिमेंट पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जैसे मार्जिन ऑटो हम लोगों ने दिया था और 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट से हमने छोड़ दिया था, तो ये 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से छोड़ करके सेंटर में आ गया है। हम लोगों ने यहाँ पे ये भी सीखा था कि अगर हम ये 20 पिक्सल्स नहीं देते हैं तो 20 पिक्सल्स की जगह पे मार्जिन ऑटो में हम लोगों ने ये भी देखा था अगर हम ये लेफ्ट राइट से नहीं देना चाहते हैं तो हमें स्पेशली बताना पड़ेगा कि वो जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है उसकी कम से कम एटलीस्ट थोड़ी सी विड्थ देनी पड़ेगी। अगर वो 100% विड्थ रहेगी तो हमें पता नहीं चलेगा, अगर हमने 80% विड्थ दे रखी है तो ये डिविजन्स की विड्थ अगर हम देखेंगे तो हमारा मार्जिन ऑटो सेंटर में ला देगा, डिवीजन पे सेंटर हाँ, जाएगा। तो 10% इस साइड छूट जाएगा, 10% इस साइड, वो हमारा मार्जिन ऑटो में था। बट अभी हमारे पास जो हम लोग करने वाले वो मैक्स विड्थ, जैसे अभी ये विड्थ है और एक हमारे पास मैक्स विड्थ होता है, तो हम यहाँ पे विड्थ करके देखते हैं, यहाँ पे विड्थ लगाएंगे, विड्थ प्रॉपर्टी, और विड्थ प्रॉपर्टी में ध्यान देना होता है कि इस चीज़ को हम परसेंटेज में अगर देते हैं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने परसेंटेज में दे रखा है तो कोई, जैसे हमने 80% इस तरीके से दे रखा और फिर से हमने यहाँ पे मैक्स विड्थ में हमने दे रखा 80% दे रखा, तो 80% अगर हमने मैक्स विड्थ दिया और विड्थ में भी हमने अगर परसेंटेज दिया तो ये हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अगर हम रन करके देखेंगे तो दोनों एक ही जैसा दिखेगा, कुछ फर्क नहीं आएगा। बट इसमें यहाँ पे हम इसको छोटा बड़ा भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव भी रहेगा। देखिए जैसे जैसे छोटा करेंगे तो हमारा ये रेड वाला बॉक्स छोटा होता जाएगा, कंटेंट ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जाएगा। सर मार्जिन में नहीं, ये हमारा परसेंटेज की वजह से हो रहा है। अगर परसेंटेज में हमने नहीं दिया होता, अगर ये पिक्सल में दिया होता तो ये चीज़ें हमारा ऑटोमेटिक रीसाइज नहीं होता। जो ये हमारा रीसाइज हो रहा है ये रीसाइज नहीं होता, जो डिवीज़न हमारे दिए गए हैं ये डिवीजन्स रीसाइज नहीं होते। बट ये परसेंटेज में होने की वजह से आप विड्थ लगाइए या मैक्स विड्थ लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज़ें हमने 800 पिक्सल किया होता और इसको भी हमने परसेंटेज की जगह पे अगर हमने 800 पिक्सल किया होता तब ये फर्क हमें दिखाई देता कि मैक्स विड्थ में क्या है और विड्थ में क्या है, क्योंकि मेनली हम मैक्स विड्थ का यूज करते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। जैसे अभी हम यहाँ पे छोटी स्क्रीन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैक्स विड्थ है छोटा होता जाएगा, ऑटोमेटिक कंटेंट एडजस्ट होता जाएगा, लेकिन जो विड्थ प्रॉपर्टी लगाई है वो हमारा ऑटोमेटिक रीसाइज नहीं हो रहा है, वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। देख रहे हैं ये आपकी विड्थ मूवमेंट नहीं करेगी। तो इसमें मैक्स विड्थ और विड्थ में अगर डिफरेंसेस देखना है तो हमें पिक्सल्स में वैल्यूज देनी पड़ेगी। मोस्टली हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव, जैसे छोटी मोबाइल, अगर हम मोबाइल वाले डिस्प्ले में देखना चाहते हैं तो कंटेंट हमारा ये हाइड ना हो जाए इसलिए हम मैक्स विड्थ का यूज करेंगे, या तो हम विड्थ को परसेंटेज में देंगे, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। अगर पिक्सल्स में दे रहे हैं तो हमें कंपलसरी हो जाएगा मैक्स विड्थ यूज करना, अदरवाइज वो रिस्पॉन्सिव नहीं रह जाएगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब फिर वो मोबाइल और लैपटॉप टैबलेट के अकॉर्डिंग वो डाटा एग्जिस्ट नहीं होगा, उसमें नीचे स्क्रॉलिंग हो जाती है, और इसी स्क्रॉलिंग को अवॉइड करने के लिए हम रिस्पॉन्सिव बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैक्स विड्थ और विड्थ में मेनली डिफरेंसेस हमारा यही है कि एक हमारा रिस्पॉन्सिव होता है, ये हमारा मैक्स विड्थ, और ये हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। ठीक है, हाँ सर।